देश और विश्व से आतंकवाद और जिहाद का होगा सफाया। विश्वेश्वर महादेव को स्थापित कर किया रुद्राभिषेक और जलाभिषेक। ज्ञानवापी फैसला आने तक जारी रहेगा महादेव का जलाभिषेक। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वीके न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। देश और पूरी दुनिया से जिहाद और आतंकवाद के सफाई के साथ देश को हिंदू राष्ट्र घोषित कराने की मांग को लेकर श्रीराम अखंड महायज्ञ का आयोजन करने वाले महामंडलेश्वर आचार्य महंत धर्मेंद्र गिरी गोस्वामी ने सावन के अंतिम सोमवार वृंदावन के सुनरक रोड स्थित महेश्वर धाम आश्रम में पूर्णेश्वर महादेव के साथ विश्वेश्वर महादेव को स्थापित कर रुद्राभिषेक और जलाभिषेक किया। आचार्य महंत धर्मेंद्र गिरी गोस्वामी ने बताया कि भगवान शंकर ने सपने में उन्हें आकर ज्ञानवापी के विश्वेश्वर महादेव मंदिर पर जलाभिषेक का आदेश दिया है, लेकिन सुरक्षा कारणों की वजह से उन्हें इसकी अनुमति नहीं मिली थी, इसलिए उन्होंने आश्रम में ही विश्वेश्वर महादेव का जलाभिषेक का निर्णय लिया। देखिए, हमारी आस्था है और जलाभिषेक क्योंकि भगवान शिव लिंग कणकड़ में व्याप्त है और शिव जो नाम है वो शक्ति का नाम है, जो सर्व शक्ति है, जो पूरी सृष्टि का जो दाता है वो भगवान शिव है और वो कणकड़ में व्याप्त है। तो आज अपने स्थान पर पूर्णेश्वर महादेव के साथ साथ हमने आज विश्वेश्वर महादेव का यहाँ शिवलिंग स्थापित करके अनवरत उनका जलाभिषेक यहाँ जारी रहेगा। तब तक हमारे ज्ञानवापी पर हमारे पक्ष में फैसला ना आएगा तब तक यहाँ पर अनवरत हमारा जलाभिषेक होगा। आपको बता दें, महंत धर्मेंद्र गिरी गोस्वामी पीएम नरेंद्र मोदी को खून से चिट्ठी लिखकर भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कराने की मांग कर चुके हैं और अब उन्होंने कहा है कि भारत को अखंड हिंदू राष्ट्र घोषित करने और काशी विश्वनाथ में ज्ञानवापी को विदेशी आक्रताओं से चंगुल से मुक्त कराने तक भगवान विश्वेश्वर महादेव का महेश्वर धाम में ही अनवरत रूप से अभिषेक जारी रहेगा। जिहाद और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे महामंडलेश्वर आचार्य महंत धर्मेंद्र गिरी गोस्वामी को आतंकवादी ने जान से मारने की धमकी तक दी थी। धमकी अलकायदा के एक आतंकवादी ने दी थी जिसे मथुरा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। प्रशासन का जो सहयोग हमको मिला है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे लिए, क्योंकि हमारी सुरक्षा जो है, जान की जो सुरक्षा है वो ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई है, क्योंकि पीछे आतंकवादी धमकियां हमको मिल चुकी हैं और आतंकवादी को गिरफ्तार भी कर लिया गया मथुरा पुलिस द्वारा, जो कि बहुत महत्वपूर्ण सराहनीय कार्य पुलिस द्वारा किया गया है। तो सारी चीजों को देखते हुए और जो माहौल है आज का उसको देखते हुए हमें हमारे मठ अखाड़े से और हमारे जो शंकराचार्य जी हैं उनके माध्यम से हमें जो संदेश मिला है वो यही है कि अब यही अपना आस्था है तो उसको अभी यही अब जलाभिषेक करिएगा और हमने यहाँ पर विश्वेश्वर महादेव का शिवलिंग यहाँ स्थापित किया और हमने जलाभिषेक। महंत धर्मेंद्र गिरी गोस्वामी लगातार भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने और पूरे विश्व से आतंक और जिहाद को खत्म करने की लड़ाई लड़ रहे हैं। उनकी इस मुहिम में बड़ी संख्या में अब लोग उनका साथ देते नजर आ रहे हैं। इस खबर में इतना ही, ऐसी ही तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। देखिए, डर तो हमें किसी से भी नहीं लगता, क्योंकि जिस जिहाद और आतंकवाद का खात्मा करने के लिए हमने यहाँ पूजन किया था वो हमारा आतंकवादी अब गिरफ्तार होते जा रहे हैं और जिसने हमको धमकी दी थी उसको भी मथुरा पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है और जेल भेज दिया गया है। तो बात डर की नहीं है, लेकिन जो कानून व्यवस्था है, अगर हम लोग कानून के विरुद्ध जाएंगे तो हम ये न्यायोचित नहीं होगा। इसीलिए धर्म है और ये धर्म यानी कि हमारा जो धर्म चल रहा है, आज हम जो लोग जीवन यापन कर रहे हैं वो संवैधानिक दौर में चल रहा है, तो संवैधानिक प्रक्रिया का सभी को पालन करना अति आवश्यक है। वीके न्यूज़ उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, सच का सारथी।